नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। महाराष्ट्र के रायगढ़ में चट्टान खिसकने से एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 25 से 30 घरों के पत्थर और मिट्टी के नीचे दबने की आशंका जताई जा रही है। इस हादसे में अब तक 96 लोगों को सुरक्षित निकाला जा चुका है, जबकि 10 लोगों की मौत हुई है। 21 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को पास अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मलबे में अभी भी कई और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। घटना स्थल पर एनडीआरएफ की टीम ने राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। ये घटना रायगढ़ के खालापुर में हुई है। हादसा बुधवार देर रात 12 बजे हुआ है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि चट्टान और मिट्टी के खिसकने से जो घर इसकी चपेट में आए हैं, उनमें कई लोग मौजूद हो सकते हैं। इलाके में बीते कुछ समय से तेज बारिश हो रही है। ऐसे में इस बारिश को ही चट्टान खिसकने की वजह माना जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम को इलाके में हो रही तेज बारिश की वजह से राहत और बचाव कार्य चलाने में भी दिक्कत हो रही है। एनडीआरएफ, नवी मुंबई, दमकल और पुलिस पैदल चलकर ही घटना स्थल पहुंचे हैं। रात में चढ़ाई के दौरान दमकल विभाग के एक कर्मी की मौत की खबर है। रात में जब लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी चट्टान खिसकने कई घर इसकी चपेट में आ गए।